पूरा मियोंगडोंग फैशन स्ट्रीट, सारे कॉस्मेटिक शॉप्स ऑलमोस्ट यही है। कोरियंस को बहुत शौक है कॉस्मेटिक का, बहुत लगाते हैं, पर आज से नहीं है, बहुत रिसेंट टाइम से ही कॉस्मेटिक यूज़ करते आए हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ वसीम गोरखा, यस वसीम, ये आ गया जरा, यार वो बताऊं गोर खोला कहाँ था, I'm doing Gorkha. Huh? Gorkha. Abulko. Okay, thank you. Yeah, shit. यहाँ एक नेपाली, यहाँ एक नेपाली रेस्टोरेंट है गोरखा, मैं पहले खाना खाया था, वहीं खाएंगे गोरखा, क्योंकि ये रीजनेबल भी था और खाना भी कैंडियन टेस्ट का था, आज जब दाल वाल कुछ मिलती है तो पता है। यार गोरखा आजा भाई, मतलब भाई देखो ये है चाइनीज नेपाली सारा खाना मिक्स होता है, ये है पांच अंबा गोरखा, सीधा उतारेगा मैं यार, चल चल के ना हाथ भी खराब क्या, मैं चल लिया तभी 15 किलोमीटर, भूख भी लग गई और यहाँ के टाइम हो गए 4:30, अब खाते हैं फिर देखते हैं चलते हैं।
तो ये है जहाँ भी घुसा बताना मैं आपने ये है प्लेन। प्लेन एक पूरा क्या है वुमन एक्सेसरीज की चेन है और म्योंगडोंग में इसके तीन स्टोर हैं। तो एकदम गोरखा का सामना था हमें को आ गया दिखाने के लिए आप लोगों को। तो यहाँ देखो बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं, ये थम रिंग्स वगैरह और कुछ चीज़ें रही, जैसे बैंड वगैरह, तो ये सब कुछ यहीं बना रही है। फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स वगैरह रखे हुए हैं तो यहीं बस असम्बल करके बना देती है। और ये काफ़ी इसमें सिल्वर के आइटम्स हैं, काफ़ी इसमें ब्रास का आइटम्स हैं, कुछ स्टील के आइटम्स हैं। देखिए छोटे छोटे से ईयर रिंग्स वगैरह, तो मैं भी कुछ लेके जाऊँगा घर के लिए, ढूंढ रहा हूँ। बड़ा बड़े फैंसी और यूनिक डिजाइनिंग्स के हैं यहाँ पे, और प्राइस वाइज ठीक है यार, पूरा इतना बड़ा अच्छा कलेक्शन है। अगर यहाँ अपनी वाइफ को या जीएफ को ले आऊँ ना तो वो तो आपका कार्ड खाली कर देगी। तो बस अब यहाँ गोल गोल घूमते रहो और देखते रहो, और जो पसंद आए बकेट में डालते रहो। सामने काउंटर है, कैश काउंटर, everybody. तो मैं हूँ अभी ग्लोबल दास सीन, ये कॉस्मेटिक चैन है इनकी। तो यहाँ सीरम ढूंढने आया था अपनी लुगाई के लिए यार, साउथ कोरिया और कुछ मंगाए ना हो नहीं सकता। तो देखो ये लिया सीरम 10,000, मतलब आपके 650 रुपये हो गए इनके लिए। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, आप ले सकते हो। ये सब बालों का सेक्शन है तो मैंने एक ये लिया और क्रीम लिया है और फेस मास्क लिया है। बॉडी लोशन यहाँ सीरम का बहुत क्रेज है, ले लिया मैंने अभी 10,000। वॉन्ग पेक बेकरी है, ये पूरा फेस मास्क कवर, ये पता नहीं क्या क्या है, लिप बाम 13,000 का। ग्रीन टी से दो चीज़ें यहाँ बहुत चलती है ना, ग्रीन टी या जैसे आपके हो गया एलोवेरा जेल, जो भी कहने बाबा बेच रहा है, राजस्थान बाबा बेच रहा है, तो बहुत अच्छे जबरदस्त है। इको एनर्जी, मतलब यहाँ जितने आदमी करते हैं उतनी औरतें भी करती हैं। दिस इज वेरी नाइस। योर नेम? किम थांग वो। यू आर चाइनीज? This is Neil. Oh. Same serum, number one. Okay. 50,000? Or 50,000? 50,000, okay. Face mask. Snail का बना face mask 50,000. मतलब हो गया लगभग 2,500 के आसपास का। ओके ठीक है। स्नेल या स्नेल। गुड। एग। इजी है। फट ना रहा है। ये अलग अलग है। ग्लोबल एक्सप्रेस ये है पूरा फेस मास्क।
यार बारिश इतनी है ना आज, और छाता लाया नहीं मैं, छाता यहाँ कर ले लो लेने का मन नहीं है। तो भाई छाता ले ही लिया, और तो ऑप्शन था नहीं। भाई बारिश जो हो रही है ना, मस्त। कमिंग बैक। अभी तो बारिश में पूरा खाली था, लेकिन बहुत मस्त होता है यहाँ पे। सुनो यार होने का इसलिए एक ये मॉल है, इसमें जुड़ के देखते हैं अंदर क्या सीन है ना। पहले छाता रखना पड़ेगा, अंदर घुसो छाता रखो। तो बस अब चलते हैं घर। तो ये पहुंच गया मैं अपने हॉस्टल, और आज मैं बनाऊंगा राइस और दाल मखनी। दाल मखनी वही मैं रेडी टू ईट वाला लेके आया था, और राइस यहाँ हॉस्टल में अवेलेबल थे, तो बस ये राइस कुकर है यहाँ पे। हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो बस एक बार ट्राई करना पड़ेगा कैसे यूज़ होगा। और सब बना रहे हैं राइस राइस कुकर में, भाई पहली बार सारी फट भी रही है। थोड़ा सा पानी, एक कप ये, दो कप ये डाल देते हैं राइस कुकर के अंदर। तो वही हम खोल के देखते हैं कैसी बनी है यह दाल बुखारा। चावल देखते हैं, चावल कब बनी है।
चाउमीन मिलेगा तो फिर ब्रेड से खा लूँगा, और तो क्या है। तो आज तो ठीक लग रही है। तो आज तो अच्छी लग रही है। चावल देखते हैं, चावल ही समझ में आया यार, चावल भी बड़े लग रहे हैं मुझे लगता है।